नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोगों के नोट और सिक्के अभी तक नहीं बिके हैं तो आज बिकेंगे, अगर आप बेचना चाहते हो तो। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों के पास में भी पुराने जमाने के नोट और सिक्के पड़े हैं, आप लोग बेचने की तलाश में हो, नोट और सिक्के बेचने काफी दिनों से सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे हो लेकिन आपके अभी तक नोट और सिक्के नहीं बिके हैं, या फिर आपका अभी तक कोई रियल बायर से कॉन्टेक्ट नहीं हुआ है, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो में आ चुके हो। आज मैं आपको पुराने नोट और सिक्के बेचने की एक वेरीफाइड और ऑथेंटिक जानकारी देने जा रहा हूं। आप लोग अपने घर बैठे नोट और सिक्के बेचकर काफी अच्छे पैसे कमा लेंगे। और अगर आप एग्जीबिशन में नोट और सिक्के बेचने के लिए सोच रहे थे या फिर एग्जीबिशन का एड्रेस ढूंढ रहे हो, तो आज इस वीडियो के माध्यम से 5 राज्यों में अभी एग्जीबिशन लगे हुए हैं उनका एड्रेस दूंगा। भारत के इन अगर 5 राज्यों के आप रहवासी हो तो अपने ही राज्य में अपने नोट और सिक्के बेच पाएंगे। तो ये कौन कौन से राज्य हैं, आपके नोट और सिक्के कितने दिनों में बिकेंगे, आपको कितनी कीमत मिल जाएगी, ये आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको स्टेप बाय स्टेप देने जा रहा हूं। तो आप लोग अगर वीडियो को विस्तार रूप से पूरी जानकारी समझेंगे तो आपके नोट और सिक्के बिकेंगे। अगर आप वीडियो को आगे पीछे काट साट कर देखेंगे, अगर आप 1 सेकंड की भी जानकारी मिस कर देंगे, तो फिर आप लोग बायर से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे और आप लोग ऐसे सोशल मीडिया पर भटकते रहेंगे। इसलिए बायर बनो, अगर आपके पास 10 मिनट का समय है तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करें और पूरी जानकारी समझे, कॉन्टेक्ट करे, आपको रियल बायर के नंबर हम आपको देंगे, बायर से आप संपर्क करके अपने नोट और सिक्के आप घर बैठे बेच सकते हो। अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में नोट और सिक्कों के कीमत में भी काफी उछाल आ चुकी है, तो आप लोगों को वो करेंसी दिखाएंगे जिनकी हाल फिलहाल में कीमत बढ़ी है, लाखों रुपए से करोड़ों रुपए तक भी जाने लगी है। ऐसे कुछ नोट और सिक्के हमारे पास डिमांड में आए हैं। इनके अलावा कुछ नोट और सिक्के थे जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उनकी भी अब लाखों रुपए बढ़ गई है, तो वो सारी करेंसी आपको दिखाएंगी। इनके अलावा रेयर नोट और सिक्कों के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। कुछ लोगों के पास में नोट और सिक्के होते हैं लेकिन उसमें रेयर नोट रेयर सिक्का कौन सा है वो पहचान नहीं पाते, तो वो आपको कैसे पहचान पुष्टि करनी है, ये आपको संपूर्ण जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप देंगे। एग्जीबिशन में अगर नोट और सिक्के लेकर जाते हो तो एग्जीबिशन में अलग अलग बायर आपके नोट और सिक्कों की जैसे कीमत की पुष्टि करते हैं और वो आपके नोट और सिक्कों जो खास वैरायटी होती है उसको देखते हैं, तो आप वो सारी अलग अलग चीजों को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं। लेकिन आप लोग इन सारी चीजों को अपने घर बैठे भी चेक कर सकते हो कि हमारे नोट और सिक्के कितनी कीमत में बिकेंगे, वैल्यूबल हमारी करेंसी है या फिर नहीं, ये आपको सारी जानकारी घर बैठे भी पता चल जाएगी। तो आपको संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप देने जा रहा हूं अब वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल DRS हेल्पलाइन पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर दीजिए। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो पास में दिख रहा छोटा सा बेल आइकन घंटे का, इसे भी जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे दोस्तों आप सभी लोगों को हमारे चैनल की आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप लोग ऐसी काम की वीडियो को देखकर सबसे पहला फायदा आप लोग उठा पाएंगे। भाई लोगों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट तो आपको जरूरी करना ही है। आपके पास जितनी करेंसी है, जितने नोट और सिक्के हैं, वो सारी जानकारी आप लोग हमें कमेंट करके बताएं अगर आपको बेचना है तो। अब दोस्तों मैं आप लोगों को वो सारे नोट और सिक्के दिखाने जा रहा हूं जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अब कीमतों से उछाल में आ गए हैं, और आपके पास में ऐसे नोट और सिक्के हैं तो आप घर बैठे बायर को व्हाट्सएप पर भी फोटो भेजे, एग्जीबिशन में पहुंचे, अपने नोट और सिक्के बेचे, वहां पर आपको काफी अच्छी कीमत मिलेगी। और घर बैठे बेचने के लिए बायर के नंबर दे रहा हूं, तो उस नंबर पर आप बायर से कॉल पर बात करें, संपूर्ण जानकारी आपको बायर बताएंगे आपके नोट और सिक्के कितने दिन में बिकेंगे। तो अब आप सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप समझे और कॉन्टेक्ट करें। तो अब चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अलग अलग प्रकार के नोट और सिक्के दिखाने जा रहा हूं, जो अगर आप लोगों के पास में ऐसे नोट और सिक्के पाए जाते हैं तो आप लोग आज इस वीडियो के माध्यम से इन नोट और सिक्कों की हमारे पास भी डिमांड आ चुकी है और आपके पास में, तो आप लोग बेचकर काफी अच्छे पैसे कमाने वाले हो। सबसे पहले हम आपको कॉइन दिखाऊं, 5 रुपए का कॉइन है। अगर आपके पास में प्लेटिनम जयंती वाला 5 रुपए का कॉइन मिल जाता है, ये कॉइन सन 1935 से 2010 तक चला था और इस कॉइन की बैक साइड से आप देख सकते हो अशोक स्तंभ सत्यमेव जयते 5 रुपए लिखा हुआ। अगर आपके पास में इस थीम का 5 रुपए का कॉइन है, भारतीय रिजर्व बैंक ऊपर हिंदी में भी लिखा हुआ आप देख सकते हो। अगर सेम कॉइन होता है तो इन बायर को चाहिए, बायर का नाम है संजीव शर्मा और ये दोस्तों वैसे मुंबई के रहने वाले हैं लेकिन इन्होंने
दिल्ली और गुजरात में एग्जीबिशन लगाए हैं तो आपके पास में ऐसा कॉइन है तो आपको 4,20,000 रुपए ये कॉइन के बदले में कीमत देंगी। और ये कॉइन इनको अर्जेंटली डिमांड में चाहिए तो आप लोगों के पास में अगर 5 रुपए का कॉइन है तो आप लोग एक कॉइन बेचकर सच में 4,20,000 रुपए कीमत कमाकर अपनी किस्मत को चमका सकते हो। अगला दोस्तों माता वैष्णो देवी के कॉइन है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर माता वैष्णो देवी के कॉइनों को लेकर काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है और इन कॉइनों की बायर लोग एग्जीबिशन में खरीद रहे और घर बैठे भी लोगों को खरीद रहे। तो आप लोगों के पास में अगर माता वैष्णो देवी के 2 कॉइन है, वैसे तो मैं आपको बताऊं 10 रुपये का कॉइन है और 5 रुपये का कॉइन है, ये 10 रुपये का कॉइन है और ये 5 रुपये का कॉइन है, लेकिन दोनों कॉइन में आप लोग देख रहे हो कुछ भी अंतर नहीं है, बल्कि इसमें जो आपको बताऊं ये कॉइन 2 धातु से बना हुआ और ये 1 ही धातु से बना हुआ। आप लोगों के पास में दोनों कॉइन मिल जाते तो पर कॉइन के हिसाब से आपको 2,00,000 रुपए कीमत मिलेगी। दोनों कॉइन है तो आपको 4,00,000 रुपए कीमत रोकड़ मिल जाएगी। अभी आपके पास में ऐसे कॉइन है माता वैष्णो देवी के, इसमें डायमंड का मिंट मार्क आप देख सकते हो, डायमंड का मिंट मार्क दिया हुआ है। सिल्वर जुबली सन 2012 में ये कॉइन जारी हुआ था और ये कॉइन गुजरात के अहमदाबाद में और दिल्ली में जो मैंने बताया एग्जीबिशन, वहां पर इन कॉइनों की नीलामी हुई है। तो आपके पास में अगर ऐसे कॉइन पड़े हैं तो आप लोग सच में इन कॉइनों को बेचकर काफी अच्छे पैसे कमा पाएंगे। आपके पास में अगर माता वैष्णो देवी के कोई भी कॉइन पड़े हैं तो आप लोग बायर को व्हाट्सएप पर भेजकर अपने कॉइनों का सैंपल जरूर बताएं ताकि बायर लोग आपकी कॉइनों की कीमत पुष्टि करेगा। और अगर आप कॉइन बेचते हैं और बायर खरीदने लायक होंगे तो आपके घर बैठे भी बिक जाएंगे। अगर आप बेचना चाहते हो और घर बैठे बायर से संपर्क करना चाहते हो, बायर आपको बता देगा पूरी प्रोसेस, किस प्रोसेस के माध्यम से आपके कॉइन और नोट सेल होंगे, उन प्रोसेस के माध्यम से आप बिल्कुल इजी तरीके से घर बैठे बेचकर काफी अच्छे पैसे कमा लेंगे। अगला दोस्तों माता वैष्णो देवी के अलावा इंदिरा गांधी वाला कॉइन है। ये कॉइन भी हमारे पास काफी दिनों बाद डिमांड में आया और इस कॉइन में आज हमारे पास 2 वेराइटी के कॉइन है। आपको मैं बताऊं ये 5 रुपये का कॉइन है और 1 रुपये का कॉइन है, सेम थीम है, लेकिन इस कॉइन में यहाँ पर देख सकते हो पीछे की साइड में 1 रुपये के कॉइन की थीम है और ये 5 रुपये के कॉइन की थीम है, लेकिन दोनों कॉइन सेम एक फ्रंट साइड से आप देखेंगे तो आप लोगों को सेम डिजाइन मिलेगी। सेम डिजाइन इसलिए है कि ये कॉइन एक ही सन में जारी हुए थे 5 रुपये के और 1 रुपये के, सन 1917-1984 में कॉइन चले थे। और यहाँ पर इस कॉइन की आज हमारे पास डिमांड इसलिए है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ऐसे कॉइनों को अब काफ़ी अच्छी कीमत में खरीद रहे बायर और बायरों को ऐसे कॉइन कलेक्ट करके आगे विदेशों में सेल करने हैं, तो वहाँ पर बायरों की डिमांड बढ़ चुकी है और बायरों ने इन कॉइनों को खरीदने के लिए बायरों ने अपने कॉइनों को कलेक्शन में डिमांड बढ़ा दी है। तो आप लोगों के पास में अगर ऐसा कोई भी कॉइन पड़ा है तो आपको काफ़ी अच्छी कीमत मिलेगी, 1,50,000 रुपये कीमत आपको मिल जाएगी पर कॉइन के हिसाब से आपको कीमत मिलेगी। और आप लोगों के पास में अगर इंदिरा गांधी वाले एक नहीं 4 कॉइन हो जाते हैं तो आप अनुमान लगा लीजिए कि आप इंदिरा गांधी वाले कॉइन सिर्फ बेचकर कितने पैसे कमाने वाले। इसलिए आपके पास में अगर ऐसे कोई पुराने जमाने के दुर्लभ और रेयर करेंसी पड़ी है तो आप लोग उन्हें संभाल कर रखें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब नोट और सिक्कों की कीमत बढ़ने लगी है तो आने वाले नए साल तक काफी अच्छी कीमत में आपके ये नोट और सिक्के बिक जाएंगे और आप लोग एक रियल बायर से कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको काफी अच्छी कीमत मिलेगी। ये दोस्तों 500 रुपये का नोट है, वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, मार्केट में भी चलता है, लेकिन 500 रुपये का नोट इतना कीमती नहीं है, फिर भी आज हमारे पास डिमांड आई है तो इस डिमांड में अगर इस नोट को आप बेचते हैं तो आपको सच में आपको 3,00,000 रुपए कीमत मिलेगी। अब कुछ लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे कि सर नोट तो मार्केट में चलता है, ऐसे तो हजारों लोगों के पास में नोट पड़े हैं तो 3,00,000 रुपए कौन देगा। तो भाइयों आप लोग इस नोट में खास वेराइटी देखें, अगर आपके नोट में 786-786 सीरियल नंबर आपकी नोट में होती है तो वो नोट आपका बिकेगा। नोट में के गवर्नर है उर्जित आर पटेल और ये नोट 786 सीरियल नंबर पर ही डिमांड में रखा गया। तो आपकी पास में अगर कोई फैंसी सर सीरियल नंबर का कोई ऐसा नोट पड़ा है तो वो नोट आपका सच में बिकेगा। आप लोग ऐसे नोट को बेचकर सच में 1,00,000 रुपए कीमत कमा पाएंगे। और अभी आपके पास में ऐसा 500 रुपये का नोट पड़ा है जिसमें आप लोग देख लेना 786 अगर लिखा हुआ होता है तो वो नोट आपका सच में 1,00,000 रुपए कीमत में बिकने वाला है। अगला दोस्तों 2 रुपये के टाइगर वाला नोट है। ये नोट हमारे पास आज डिमांड में आया तो इस नोट के बारे में आपको बताऊं, 2 रुपये का टाइगर वाला पुराना नोट है। अब ये नोट आपको पता है 2 रुपये के नोट चलन में नहीं रहे,
लेकिन ये पुराने नोट है, तो पुराने नोट में आपको मैं बताऊं ये नोट काफी रेयर है। इस नोट में अशोक स्तंभ भी बना हुआ है और 2 रुपये यहाँ पर लिखा हुआ, मैं धारक को 2 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, ये हेडिंग भी लिखी हुई है। इस नोट के गवर्नर थे वो है दोस्तों मनमोहन सिंह। आपको बताऊं ये 2 रुपये का नोट सन 2005 या 6 में चलता था, उस समय ये नोट चलन में था। उसके बाद ऐसे नोटों को चलन से बैन कर दिया था। कॉइन आए थे, कॉइन भी अब मार्केट में नहीं चल रहे, फिर भी कुछ लोगों के पास में ऐसे कॉइन है वो चला लेते हैं, लेकिन नोट बिल्कुल भी नहीं चल रहे। अगर आपके पास में RBI के द्वारा जारी किया गया ऐसा 2 रुपये का नोट पड़ा है तो वो नोट आपका बिकेगा 95,000 रुपये कीमत में। कितने दोस्तों? 95,000 रुपये आपको इस 2 रुपये की नोट के बदले में सच में आपको कीमत मिल जाएगी अगर आप बेचना चाहते हो तो। अब मैं आपको बायर के नंबर देने जा रहा हूँ, आप लोग नंबर नोट कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ बायर के नंबर मैं 5 सेकंड के लिए स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस नंबर पर संपर्क करें और आपकी नोट और सिक्के घर बैठे बायर द्वारा व्हाट्सएप पर भेजकर अपनी पूरी जानकारी को समझकर आसानी से सही जगह बेचने का प्रयास करें। इनके अलावा आपके पास में कोई दूसरे नोट और सिक्के हैं तो आप लोग वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगले वीडियो में आपकी नोट और सिक्कों के बारे में जरूर जानकारी दूंगा। और आप लोग पुराने नोट और सिक्कों से संबंधित जानकारी चाहते हो या फिर पुराने नोट और सिक्के बेचने के लिए आप लोग इच्छुक हो तो आप लोग हमारे इस DRS हेल्पलाइन चैनल से जुड़े, हम आपको पल पल की अपडेट करेंसी की देते रहते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर रख लीजिए और हम मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।